सो नॉन इंजीनियर्स क्वांट का स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। कौन कौन चैप्टर पढ़ने से आपको कॉम अटेम्प्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स क्वांट्स में मिल जाएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि नॉन इंजीनियर्स हमारा बहुत कैट देता है, वो गलत करता है क्वांट में जाके। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने से हो जाएगा चैप्टर पढ़ने से, तो इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए। नॉन इंजीनियर्स का ग्रुप में ये वाला वीडियो शेयर होना चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको ऐसा शेयर करोगे तो आप लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। देखो यार, मेरे को बहुत बार 100 मिला है मैथ में, मेरे को 10th में मिला है, 12th में मिला है, जब ग्रेजुएशन करने गया वहाँ पर एक तो सब्जेक्ट दो तीन फोर्थ सेमेस्टर तक था, तो थर्ड सेमेस्टर तक मेरे को 100 में आपको 98 मिला था, फोर्थ सेमेस्टर में आप मेरे को 95 मिला था। सो दैट इज़ द मैथ स्ट्रेटेजी, बिकॉज आई एम ए मैथमेटिशियन एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स में भी हमारा बहुत सारा अवदान है, इंडस्ट्री में बहुत सारा इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ, बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। हाउ एवर उस छोड़ो, मेरा जो हो गया छोड़ो, अब तुम्हारा जो बातिक बारी है उसमें देखो, चार गो चैप्टर आप बढ़िया से करो एंड दो गो चैप्टर थोड़ा सा करो, खास करके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज वैदिक मैथ, देन परसेंटेज, देन एवरेज, देन रेशियो। ओके, हो गया चार गो, और दो गो कौन कौन है, मिक्सचर एनालिगेशन एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस। तो टोटल चार गो चैप्टर आपको बढ़िया से एकदम कुल मिला के करो, सुबह में उठ जाओ, सुबह में उठ के एकदम तैयार करके बैठो, दिमाग शांत करके बैठो, और दो गो चैप्टर जो बताता हूँ, मिक्सचर एनालिगेशन एंड प्रॉफिट लॉस, इसका जो क्वेश्चन होगा आपको, जो कैट में डीआई का पोर्शन जो रहता है ना, वो डीआई में गप बना के दे सकता है, विच इज़ द प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट चीज़। उसमें क्या होगा, जब वैसा क्वेश्चन आपको घिच पिचा के आ जाएगा ना, वो दैट इज़ ए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा उस टाइम, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन क्वांट में भी रहेगा, डीआई में भी रहेगा। प्रॉफिट हो सकता है कि जे मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन क्वांट में दिया नहीं, लेकिन डीआई में आपको दे दिया, 2021 में ऐसा हुआ था। सो दिस दिमाग में रखो ऐसा, क्योंकि गलती हम लोगों का होता है जब हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। सो पढ़ाई करो यार बढ़िया से, क्योंकि मैं हूँ आप लोगों के साथ। दिमाग में एक चीज़ घुसाओ, पढ़ना पड़ेगा, मेरे को तैयार करना है, दिमाग में एक चीज़ घुसाओ, हमको 99% लाना है, कैसे भी करके प्रैक्टिस करना है। वन सेकेंड, क्वांट का एक ही स्ट्रेटेजी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मेरा चैनल को फॉलो कीजिएगा तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा ऐसा। सो वन सेकेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन, बेल आइकन दबाओ, उसमें क्या होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आता रहेगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड आप लोग का कम्युनिटी में चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मैं बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ उसके बारे में, सो यू कैन सी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस।